नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सो so, जैसे कि हम लोग इसके लेक्चर वन को कवर कर चुके हैं और मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पे शुरू कर चुके हैं जो हम लोग यू के फ्रिलियम्स 2023 के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली सीरीज़ अभी शुरू करी गई है डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स 24 में भी अपीयर कर रहे हैं वो भी सीरीज़ को देख सकते हैं इसका बेनिफिट उठा सकते हैं बट इन्वायरमेंट बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग करेंगे सो लेक्चर वन में हमने पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ा था अभी हम लोग इन्वायरमेंट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में भी हम लोग पहले इन्वायरमेंट के कुछ सेक्शंस को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं पिछले एक साल के अंदर जैसे आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और यहाँ से अक्सर बार बार क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं सो so, आज के हमारे लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए हम उनको कवर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है कार्बन ट्रेडिंग तो देखिए आप जानते हैं कि ट्रेड किसे कहते हैं ट्रेड का मतलब है समथिंग विच इज़ बीन सेल्ड एंड बाइड सो बाइंग एंड सेलिंग इज अ ट्रेड कार्बन ट्रेडिंग भी क्या है एक कार्बन एमिशन ट्रेडिंग भी कहते हैं इसे जो मार्केट बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर डिराइव्ड है बाइंग एंड सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग किस चीज़ की हो रही है परमिट्स की और क्रेडिट्स की जिससे परमिट होल्डर को इस चीज़ की परमिशन मिलती है कि वो कितना कार्बन डाईऑक्साइड अमिट कर सकते हैं सो इट इज़ अ मार्केट बेस्ड सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग परमिट्स एंड क्रेडिट्स दैट अलाउ परमिट होल्डर जो परमिट होल्डर है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हैं ये जो मॉडल है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स के अंदर जिसको यूज किया जाता है उसे कहते हैं कैप एंड ट्रेड मॉडल क्या कहते हैं कैप एंड ट्रेड मॉडल कहते हैं कार्बन क्रेडिट है या कार्बन ट्रेड है दीज आर ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट इसका ऑथोराइजेशन करती है और इसके पीछे का जो गोल है वो क्या है कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ही कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करा जाए and mitigating their contribution टू क्लाइमेट चेंज तो ये आपको सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखनी है साथ ही साथ ये जो आइडिया है कैप एंड ट्रेड का कार्बन परमिट एंड ट्रेड के बारे में जो ये आइडिया है ये आइडिया बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से तो आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसी सारी ही प्रोटोकॉल जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है उनके बारे में पढ़ेंगे सो so, ये जो आइडिया है बेसिकली कैप एंड ट्रेड सोल्यूशन टू कार्बन एमिशन दिस हैज़ औरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटोकॉल और पहली ऐसी कंट्री इन 2021 ट्वेंटी वन चाइना वॉज द फर्स्ट वन हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग ओके ये जो कार्बन मार्केट प्लेसेज हैं ये एग्जिस्ट करती हैं आपकी इंटरनेशनल नेशनल स्टेट एंड लोकल लेवल के ऊपर ओके सो ये आपको साथ में ध्यान रखनी है बात कार्बन ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें और अगर हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करें तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि कुछ एग्जिस्टिंग मेकैनिजम्स हैं कार्बन ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में जैसे रेन्यूबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स तो ये जो मेकेानिज़म है कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रमोट करते हैं रेन्यूबल एनर्जी को और फैसिलिटेट करते हैं कंप्लायंस ऑफ रेन्यूबल परचेज ऑब्लिगेशन बाय ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ सो इट इज़ अ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो रेन्यूबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं फेसिटिलेट कर रहे हैं कंप्लायंस ऑफ रेन्यूबल परचेज ऑब्लिगेशंस बाई द ऑब्लिगेटेड एंटिटीज दो कैटेगरी के होते हैं रेन्यूबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स जैसे सोलर रेन्यूबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड नॉन सोलर रेन्यूबल एनर्जी सर्टिफिकेट साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं जो परफॉर्म ट्रेड एंड अचीव स्कीम के अंदर काम करते हैं ये भी मार्केट बेस्ड रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर वो इंडस्ट्रीज जो एनर्जी इंटेंसिव हैं वहाँ पर इसको रेगुलेट बेसिकली इसके थ्रू करा जाता है अब जैसे आप देखते हैं कि स्टॉक्स का मार्केट में स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स uh, का एक्सचेंज होता है उसी तरीके से एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है एनर्जी को भी ट्रेड करा जाता है सो so जो ये आपके एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है इनका जो ट्रेडिंग है वो कहाँ पर होती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के ऊपर इसकी बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो होती है तो इसके बारे में भी आपको पार्लरली यहाँ पे ध्यान रखना है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स तो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स बेसिकली ये पहला ऐसा इंडेक्स है जो ट्रैक करता है एफर्ट्स और जो एफर्ट्स स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ने लिए हैं क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर के रिस्पेक्ट में सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो बेसिकली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के एफर्ट्स को मेजर्स को ट्रैक करेगा कि उन्होंने कितने एफर्ट्स लिए हैं कितने ज्यादा वो लोग एक्टिवली क्लाइमेट को और एनर्जी सेक्टर को कंजर्व और बेटर uh, बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो इसकी जो रिपोर्ट है वो लॉन्च करी है नीति आयोग ने सो so कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर रिपोर्ट्स जो है वो पूछी जाती हैं तो डू रिमेंबर कि नीति आयोग हैज रिसेंटली द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन ओके आगे देखते हैं सो so, ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग देखें इस इंडेक्स के वो क्या क्या है रैंकिंग द स्टेट्स ठीक है ना hmm. तो स्टेट्स की रैंकिंग होगी उनके एफर्ट्स के बेसिस पे कि वो कितना एनर्जी एक्सेस को इंप्रूव कर रहे हैं एनर्जी कंजम्पशन को इंप्रूव कर रहे हैं कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं एंड दे आर सेफ गार्डिंग द इनवायरमेंट साथ ही साथ दे आर हेल्पिंग द ड्राइव अजेंड ऑफ अफोर्डेबल एक्सेसिबल एफिशेंट एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एट द स्टेट लेवल पार्लली एनकरेजिंग द हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टेट्स जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है ऑन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बेसिकली ट्रैक किया जाएगा थ्रू स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साथ ही साथ आप इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन भी करा गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ter का इस बेसिस पे कि क्या आउटकम आता है स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स का सो so यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो तीन ग्रुप्स में बेसिकली करी गई हैं फ्रंट रनर्स अचीवर्स एंड एस्परेंस ओके सो देर आर थ्री कैटेगरीज फ्रंट रनर्स अचीवर्स एंड एस्परेंट्स और उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन करा जाएगा कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बेटर परफॉर्म कर रहा है बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ एनर्जी इंडेक्सेस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी इंडेक्सेस के ऊपर भी सो so, यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो एनर्जी इंडेक्स आ रहा है वो है आपका वर्ल्ड एनर्जी ट्रायलेमा इंडेक्स इस इंडेक्स को जो बॉडी पब्लिश करती है वो है आपकी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल कई बार ये क्वेश्चन आते हैं आपको इनको जरूर ध्यान रखना है रिपोर्ट्स को इंडेक्स को और टॉप थ्री परफॉर्मिंग जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें स्विडन स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करते हैं वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसमें जो टॉप थ्री कंट्रीज हैं वो हैं स्विडन नॉर्वे एंड डेनमार्क देन वी हैव थर्ड इंडेक्स दैट इज रेन्यूबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स इसको जो बॉडी पब्लिश करती है दैट इज अर्नस्ड एंड यंग ई वाई एंड टॉप टू कंट्रीज जो यहाँ पे हैं दैट इज यू एस एंड मेन लैंड चाइना देन क्लाइमेट चेंज एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको जो बॉडी पब्लिश करती है वो है जर्मन वॉच एंड इसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी डेनमार्क जो फोर्थ पोजीशन पे है स्वीडन जो फिफ्थ पोजीशन पे है नॉर्वे जो सिक्स पोजीशन पे है ओके एंड प्रीवियसली जो आपने देखी कंट्रीज uh, वो आपने यहाँ पे चेक किया सो so बेसिकली आप इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे कि ये कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली टॉप परफॉर्मर्स रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे जो है कि इस रिपोर्ट को बेसिकली पब्लिश कौन कर रहा है ओके okay ना तो कौन कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है पब्लिशिंग uh, एजेंसीज कौन कौन सी हैं वो काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डस्ट स्टाम सो प्रीवियस ईयर और अक्सर कई बार ये न्यूज़ में रहता है डस्ट स्टोम सो देखिए बेसिकली जो डस्ट टॉम है इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर uh, कुछ रीजनज ऐसे रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पर uh, बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट टॉम जो है वो देखने को मिला जिसके पीछे का रीज़न था क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर देर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड हेज विच ब्रॉट टूवर्ड्स दी मेन लैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन एंड इट ब्रॉड हेज टू नदन महाराष्ट्र गुजरात एंड राजस्थान बेल्ट सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आप इस बात को समझेंगे कि जो ये सैंड और डस्टॉम्स होते हैं जो आप ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये सैंड एंड डॉम्स हैं दे आर नैचुरल इवेंट्स ओके नेचुरल इवेंट कैसे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से डस्टॉर्म्स आते हैं जैसे टर्बुलेंट विंड्रॉग एंड टर्बुलेंट विंड ओवर दी लार्ज लैंड सर्फिस एरिया ठीक है और जहां पे कोई वेजिटेशन कवर जो है वो बेसिकली नहीं है तो वहां पर अक्सर ये डस्ट डस्टॉर्म्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिलते हैं सो so अगर हम इसके कॉज देखें तो टेम्परेचर इन द मिडल ईस्ट वॉज वॉर्म एंड लीडिंग टू द लिफ्टिंग ऑफ डस्ट इन द एयर अ टेम्परेचर इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द अरेबियन सी इज एंड इट वॉज फेवरेबल फॉर स्टॉम्स टू एंटर द कंट्री सो मिडल ईस्ट में बेसिकली एक तरीके का डस्ट फॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है ड्यू टू दी वॉर्म टेंपरेचर इन दैट कंप्लीट बेल्ट एंड उसकी वजह से जब दैट डस्ट वेन ड्राइव दी बेल्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान पाकिस्तान और उसी के साथ साथ इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है आप अरेबियन सी की तरफ क्योंकि दैट इज़ अ वार्मर रीजन एंड वहाँ पर काफ़ी फेवरेबल कंड्यूसिव कंडीशन बन गई इन डस्ट टॉम्स के लिए अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें कि डस्ट टॉम का बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है सो दे आर ट्रांस बाउंड्री मीट्रोलॉजिकल जो हमारे एग्रीकल्चर को आपसे पूछ सकते हैं कि डस्ट ऑम का इम्पैक्ट क्या है वो हमारे एग्रीकल्चर को एनर्जी इन्वायरमेंट एविएशन ह्यूमन हेल्थ इन सभी को अफेक्ट करते हैं साथ ही साथ जो ये डस्ट का डिपोजिशन होता है ग्लेशियर्स से उसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पार्लर्ली हमारे क्रॉप ईल्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं बाय बोरिंग सीडलिंग्स कॉजिंग द लॉस ऑफ प्लांट टिश्यू जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो इवन दैट कैन अफेक्ट द ह्यूमन इन द फॉर्म दैट इट कैन कॉज स्किन एंड आई इरिटेशन और इन्फेक्शन वाइल्ड स्मॉलर पार्ट्स जो हैं वो एस्तमा या लोगों को ब्रोंकाइट जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो अक्सर देखने को मिलती है मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर ऑल्सो द इंक्रीज इन द न्यूट्रिय कंटेंट इन द एरियाज ऑफ डेपोजिशन एंड बेनिफिट वेजिटेशन तो कई बार ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है बट मेजरली इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें अक्सर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डस्टोंग सो डस्ट हॉम एक नेचुरल फिनमिना है जो हमारी प्लांट की डाइवर्सिटी और अबंडंस को कई बार अफेक्ट करता है एंड इसका जो ओरिजिनेशन है हमने देखा कि वो मिडिल ईस्ट में हुआ बेसिकली एंड उसके बाद वो uh, कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है इंडिया के भी वेस्टर्न बेल्ट को भी उसने अफेक्ट किया था ठीक है तो इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया जिस ऑर्गेनाइजेशन में दैट वाज सफ़र ऑर्गेनाइजेशन एस ए एफ ए आर दैट इज़ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च दैट इज़ सिस्टम for air quality and weather forecasting and research okay so they have uh, told the recent pollution which was been there in the bombay due to the dust storm okay चलिए सो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सुजलम सुजलम 2.0 सो बेसिकली एक वाटर कंजर्वेशन मेजर है ये सुजलम और वर्ल्ड वाटर डे में जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के उन्होंने सुजलम 2.0 को लॉन्च किया था फॉर दी वाटर कंजर्वेशन मेजर्स एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ ग्रे वाटर ओके सो ग्रे वाटर बेसिकली क्या होता है दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस ग्रे वाटर क्या होता है सो ग्रे वाटर इज डिफाइंड एज अ वेस्ट वाटर जितना भी वेस्ट वाटर उसको ग्रे वाटर कहा जाता है दैट इंक्लूड्स वाटर फ्रॉम

Uh, का प्रॉब्लम है वो कई सिटीज़ में आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है सो ग्रे वाटर के बारे में अगर हम लोग देखें तो दिस इज वॉट अ ग्रे वाटर इज एंड जल शक्ति जो यूनियन मिनिस्ट्री है जल शक्ति की उन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया दैट इज सुजलम टू पॉइंट ओ दैट इज ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट तो ऐसे ही फैक्ट्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्वा मैप सो एक्वा मैप के बारे में देखिए अगर आप इट इज़ अ न्यू वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर जो आई मद्रास में बेसिकली लॉन्च हुआ है एंड आईआईटी मद्रास ने इसके लिए कोलैबोरेट कराया आईआईटी आई धारवाड़ के साथ अराउंड द ब्रॉड थीम ऑफ डेटा साइंस फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर असिस्टेंस बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि एक्वा मैप का क्या एम है सो एक्वा मैप इज बेसिकली होल्ड एन एम ऑफ प्रोवाइडिंग सल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग वाटर प्रॉब्लम्स बाय डिजाइनिंग स्मार्ट एंड ऑप्टिमल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसज एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम इन द फील्ड इन विलेज एंड टाउन एरियाज़ तो जहाँ पर भी चैलेंजिंग वाटर प्रॉब्लम्स हैं स्का है उन इलाकों में कैसे बेहतर तरीके से पानी की सुविधाएँ पहुँचाई जा सकती हैं और जो की एक्टिविटीज़ आप इसके अंदर देखेंगे वो ये है कि आइडेंटिफाई ग्रैंड चैलेंजेस जो जो चैलेंजेस इस समय वाटर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रो इन्फॉर्माटिक्स लेबॉर्ट्री का प्रिपरेशन करना दैट इज़ द की एक्टिविटीज़ ऑफ एक्वा मैप So, हमारे लिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहां पे लॉन्च हुआ है बट हमारे लिए थीम इंपॉर्टेंट है और इसका क्या एम है क्या ऑब्जेक्टिव और क्या एक्टिविटीज है इसको आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है दैट इज वट यू नीड टू नो अबाउट एक्वा मैप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कार्बोफ्यूरोन एंड इट इज वन ऑफ द पल्यूटेंट सो कार्बोफ्यूरोन क्या है सबसे पहले तो इसे ध्यान रखेंगे कि ये एक पल्यूटेंट है बेसिकली ठीक है ना क्या है पल्यूटेंट है और रिसेंटली अगर आप देखें कुछ काफ़ी समय से ग्रिफॉन वल्चर्स जिनका आई यूसीन स्टेटेंट इज नियर थ्रेटेंड तो ये ध्यान रखिएगा हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स जिनका स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड सो नियरली नाइन्टी फाइव ग्रिफॉन हिमालय हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस पल्यूटेड कार्बोफ्यूरोन एंड अ स्टेपे ईगल इन अ सम हेज बीन एंट्रीब्यूटेड टू अ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग ड्यू टू कार्बोफ्यूरोन सो कार्बोफ्यूरोन बेसिकली इज अ पेस्टिसाइड जिसको वाइडली यूज करा जाता है टू कंट्रोल द इनसेक्ट्स एंड निमाटोज ऑन अ वायटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेज में जिसकी वजह से जब ये इन्वायरमेंट में आती है तो ये इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करती है एंड अगर इसका कंजम्पशन मतलब थ्रू एयर और थ्रू क्रॉप अगर ह्यूमंस करते हैं सो डेफिनेटली इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन्स तो दैट इवन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ एज वेल तो काफी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है इसके बारे में ध्यान रखिएगा हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके पास किसी क्वेश्चन के साथ एड ऑन होकर आ जाए तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है अनदर एक और पोल्यूटन के बारे में दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट सो 337 हंड्रेड टन ऑफ हाजर्डियस वेट एट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल के अंदर बर्न किया गया था दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट एंड द वेस्ट वाज डम्प्ड आफ्टर द लीकेज ऑफ एटलीस्ट थर्टी टन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट फ्रॉम प्लांट इन नाइनटीन भोपाल गैस ट्रैजेडी जिसके बारे में आप सभी जानते हैं सो so भोपाल गैस ट्रैजेडी के अंदर भी यहाँ पे इतनी लार्ज अमाउंट में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिलीज हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनेट बेसिकली

इमिजिएट हेल्थ इफेक्ट्स को देखेंगे सो इट कैन इंक्लूड अल्सर फोटोफोबिया रेस्पिरेट्री इश्यूज अनोरेक्सिया परसिस्टेंट अबडोमिनल पेन जेनेटिक इश्यूज एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स इंक्लूडिंग क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस डिक्रीज लंग फंक्शन इंक्रीज प्रेगनेंसी लॉस एंड इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी सो काफ़ी ज्यादा हार्मफुल है ये पोल्यूटेंट मिथाइल आइसोसाइनेट एंड इसके बस फीचर्स के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि हाई रिएक्टिव है एंड कैसे कैसे ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है सो so, इसी के साथ हमने इस लेक्चर टू को अपने कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने इन्वायरमेंट्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे जो उनको हमने डिस्कस किया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग दोबारा से इन्वायरमेंट की सीरीज में ही करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो प्रीवियस एक सालों में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं पूरे जनवरी से लेकर इस अप्रैल तक ये सीरीज आपकी चलने वाली है मई तक आपकी ये सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग पूरे एक से इस डेढ़ साल तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे सो आई होप आपको ये सीरीज हमारी पसंद आए एंड अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी

And even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS. For any detail, you can contact us on the given numbers in the description box. Thank you.